को हम एक और रिव्यू के साथ आपके लिए हाजिर हैं और यहाँ पर एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि 1.8 ग्रैंडी के भी ऑनर हमारे सईद भाई हैं और ये गाड़ी भी आपको इस्लामाबाद लाहौर मिल जाएगी अगर आप लोग वहाँ भी लेना चाहेंगे। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी गाड़ियाँ जो हमारे सईद भाई लाएँगे उसका रिव्यू भी आप लोगों को फ़ौरन से मिलेगा। इससे हट के और भी गाड़ियाँ जो भी रिव्यूज़ आप लेना चाहेंगे वो भी आपको मिलेगा। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि इस गाड़ी की हम जो है वो वीडियो के एंड पर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे, जहाँ से हम 0 to 100 आपको थोड़ा करके दिखाएंगे। सईद भाई खुद ड्राइव करेंगे क्योंकि वो ऑनर हैं, गाड़ी उनके बेहतर है ज़्यादा। तो अच्छा, अभी सबसे पहले हम सईद भाई से बात दोबारा से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, ये बताएं कि ये गाड़ी मॉडल बताएं। 2017 है जी। अच्छा, और ये नई शेप है 2017 एयरबैग वाली। अच्छा, एयरबैग। हाँ, और ये अपलिफ्ट लिफ्ट जो है ये 21 से 22 की अपलिफ्ट है। 21 से 22 की ये अपलिफ्ट हुई है। और सेकंड आपने इसका एयरबैग का नाम लिया 2017 मॉडल का। जी जी, यानी कि 2016 में इसमें एयरबैग। 2017 में एक न्यू शेप है, एक पुरानी शेप है। ये न्यू शेप, ये न्यू शेप 2017 वाली है। और इसकी आप हमें टचिंग का बताएं। टचिंग इसमें एक पीस है। एक पीस इसका कौन सी साइड है? वो साइड का। अच्छा, वो साइड से भी हम दिखाते हैं जो भी पीस टचिंग में है। तो अभी आप मुझे इसका ये बताएं कि ये भी इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है और ये भी ऑनर की आपके पास मैट्रिक और डॉक्यूमेंट सब ओके, सब ओके आपको मिल जाएंगे जिधर भी आप चाहेंगे इस्लामाबाद। अच्छा, अभी हमें आपको दिखाएं। अच्छा, और इसके अलावा आप हमें इसके अंदर से आके बताएं। इसमें ये जो होता है, जो न्यू शेप होती है उसमें मोड होता है और एयर बैग होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें न्यू शेप में जो इसमें इग्निशन बटन हमारे पास है और दूसरा आपने क्या बोला हमारे पास? ये एयरबैग वाली। अच्छा, एयरबैग्स वगैरह। इसके अलावा बाकी जो है हमारे पास इसके ट्रैक्शन जी है, फर्शी डली हुई है, सीट कवर डले हुए हैं, अलॉय रिम टायर इसके अच्छे हैं। आप देख सकते हैं टोयोटा के अपने टायर भी अच्छी पोजिशन में है। इसके अलावा अगर आपको दिखाएँ तो इसमें जो है वो पैडल शिफ्टर है, क्रूज कंट्रोल है और साथ में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी कंपनी का फिटेड है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वो भी अच्छा है। तो अच्छा, अभी आप ये बताएं कि इसकी जो डिमांड, डिमांड इसकी हम कर रहे हैं जी इसकी 50 लाख 50 हज़ार, यानी कि 50 लाख 50 हज़ार रुपए। और इसमें कम आपको कमी भी ज़रूर हो जाएगी अगर आप इनको इस्लामाबाद में कहीं बुलाते हैं या खुद पकड़ लेते हैं तो भी कंसेशन कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रंटेड मिलेंगे क्योंकि शोरूम में एक इदारा है यहाँ पर, उनके थ्रू ऑबियस है वो अटेस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स सारे, तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ से किसी किस्म की कोई आपको नहीं इशू होगा। अच्छा, तो अभी आप ये बताएं कि इसकी ड्राइव के बारे में, आपने तो इसकी ड्राइव की हुई है, फिट है, अच्छी ड्राइव है अच्छी। तो इसकी कोई एवरेज वगैरह आप बता सकते हैं? ये एवरेज वगैरह तकरीबन ये 16 से ऊपर है, 17-18 तक करती है एवरेज कर। चलें जी, अभी हम जो है ऑनर के साथ आपको इसकी ड्राइव भी दिखा देते हैं। एवरेज इन्होंने बता दिया, डिमांड भी बता दिया, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा इसकी जो ड्राइव है, हम छोटी सी ड्राइव करेंगे जिसमें आपको गाड़ी के इंजन का पता चल जाएगा। ये इस ग्रैंडी 1.8 का मैं आपको जो है वो क्विक रिव्यू दे देता हूँ, जिसमें यहाँ पे आ जाएँ तो ये आपके दिखाऊँ। तो मैं ये फ्रंट कैम है, इसके साथ इसमें फॉग लाइट्स भी इंस्टॉल्ड हैं, अलॉय व्हील्स इसमें हैं, साइड मिरर पर इसके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर क्रोम का यूज़ हुआ हुआ है। इसके साथ मैं बैक पर ले कर चलूँ तो ये बैक पे ग्रैंडी 1.8 XCVTi 2017 न्यू शेप में बैक जो बम्पर है उसके साथ ब्लैक की इन्होंने टचिंग की हुई है, विच इज़ गुड। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं एक ऑटो में, बाकी तीनों पावर में, लॉक ऑन लॉक का है। यहाँ पे जो ड्रॉर ये क्रोम में है और साथ में अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो वो भी ओल्ड स्कूल सीट एडजस्टमेंट। ये है जी इसकी की, ये देखें, यह है इसकी की। और यहाँ पे अब हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, इग्निशन बटन और रिट्रैक्टेबल मिरर, एडजस्ट भी कर सकते हैं मिरर्स को, आर ओ ट्रांसमिशन गियर, स्पोर्ट मोड, कप होल्डर, हैंड ब्रेक, यहाँ से क्लाइमेट एसी का जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एसी विंड्स और SRS एयर बैग इस साइड पे भी है, इस तरह उस साइड पर भी है। यहाँ पे जो है कंपार्टमेंट, आर्म रेस्ट के नीचे भी हमारे पास कंपार्टमेंट, बैक पे भी कंपार्टमेंट। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है इसकी सनरूफ और यहाँ पे आप ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं।
यहाँ पे इसकी जो है मैं लाइट भी है वेंटीमीटर पे, लेकिन मैनुअल में है।